मोहल्ला का रोड पुल पर जैसे ही पहुंचे हम लोग पर अचानक से पथराव चालू हो गया। पथराव चालू होने के दरमियान आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम अमित कुमार है। अमित कुमार, आप लोग कौन से कार्यक्रम कर रहे थे? विरोध में अपने बात को रखने के लिए जन समुदाय को साथ लेकर के कोई भी कार्यक्रम करते हैं। अभी CAA के विरोध में कई सभाएं हुई, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी असामाजिक तत्व उनको डिस्टर्ब करने का काम किया। लेकिन आज जब CAA के पक्ष में जब तिरंगा यात्रा निकली है और तिरंगा यात्रा अपने अंतिम मुकाम में थी, वैसे में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पथराव किया गया। अभी लोगों ने उसके विरुद्ध में धरना दिया है, प्रशासन की ओर से आश्वस्त किया गया है कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, और हम इस बात को उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी दोषी हैं उनके ऊपर में सख्त कार्रवाई हो और शांतिपूर्ण ढंग से। गिरिडीह में लोग चाहते हैं कि लोग यहाँ पर गुजर बसर करें। सब लोगों से अपील करते हैं कि
शांति बनाए रखे, अपनी बात अपनी रखने का सबको अवसर है। इस प्रजातंत्र में संविधान की बात करने वाले लोग कम से कम संविधान के तहत में लोगों को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का आजादी है, उसके तहत में कोई भी। देखिए आज तिरंगा यात्रा जो हम लोगों का झंडा मैदान से निकल करके जो प्रशासन के द्वारा रूट चार्ट तय किया गया था, जो स्वीकृति मिली थी, उसी रूट चार्ट में शांतिपूर्वक माहौल बना करके सारे लोग और उसमें कुछ छात्राएं भी थी और इस तरह के शांतिपूर्ण माहौल में जाते हुए जब हम लोगों ने पूरा मगधपुर जिला परिषद होते हुए कालीवारी होते हुए मुस्लिम बाजार और बड़ा चौक होकर गद्दी मोहल्ला होकर जब वापस आने लगे तो पीछे पंक्ति में जो रह गए थे उस पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा शहर में अशांति फैलाने के उद्देश्य से उन्होंने पथराव किया है। वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज है, प्रशासन को उस फुटेज में वैसे उपद्रवियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो उस सबको। इस तरह से शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने का जिसके द्वारा भी प्रयास किया गया है उस पर जरूर से कार्रवाई होना चाहिए और गिरिडीह के सारे तमाम जनता से हम अपील करना चाहेंगे कि वो अभी शांति बना करके माहौल में रहे, शांति प्रदर्शन करें, प्रदर्शन को समाप्त करके प्रशासन कार्रवाई कर रही है, यदि प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो फिर हम लोग आगे। यात्रा का परमिशन मिलने के बाद जो रूट चार्ट बना हुआ था उस रूट चार्ट में हम लोग जा रहे थे और जैसे ही आगे जुलूस बढ़ा असामाजिक तत्व के द्वारा पथराव किया गया, उसमें हमारे कार्यकर्ता कम से कम 10 लोग जख्मी हैं, कुछ लोग लापता भी हैं और हम लोग एसपी साहब से और डीएम साहब से मांग करते हैं कि अविलंब जो दोषी हैं आपके पास सीसीटीवी फुटेज है उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई होना चाहिए और नहीं तो फिर बात हो करके फिर आगे की हम लोग रणनीति बनानी पड़ेगी। सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि कृपया शांति व्यवस्था को बहाल करके रखें, एक सभ्य समाज की पहचान शांति व्यवस्था के साथ ही होती है, तो कृपया इस मैच्योरिटी का, इस गंभीरता पूर्वक अनुपालन का कृपया सभी उदाहरण प्रस्तुत करें एवं गेडी जिला, गेडी शहर के शांति व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कारक बन के सभी लोग उभरें। जितने भी लोग जिन्होंने गलत कार्य किया है, जिन्होंने भी कानून तोड़ा है, सभी को चिन्हित कर सख्त और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ये कानूनी कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। क्या स्थिति है सर? अभी गिरिडीह पदम चौक पे कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया था लेकिन प्रशासन की सतर्कता के द्वारा इसको जल्दी काबू पा लिया गया। स्थिति पूर्णतः नियंत्रित सामान्य है और शांति व्यवस्था बनी हुई है, कहीं से कोई भी घटना सूचना प्राप्त नहीं हुई है और अब मामला बिल्कुल नियंत्रण में है और हम उम्मीद करते हैं कि माहौल सामान्य हो जाएगा।